from mathymap.com. Let's start with question number 4 of exercise number 4.1. The statement of this question is 9x minus 3 is equal to 3 into 2x minus 8. इसको हमने सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर जो कांस्टेंट जो वेरिएबल x है, इस x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है. तो 9x minus 3 तो इसी तरह से आ जाएगा. अब 3 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. 3 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा. 3 जब minus 8 से मल्टीप्लाई होगा तो minus 24 आ जाएगा. ये 9x यहाँ पे ये minus 3 ये इक्वल साइन के साइड पर आके प्लस 3 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x is equal to 6x minus 24 plus 3. अब next step में ये 9x is equal to 6x minus 24 plus 3 is equal to minus 21 आ जाएगा. अब ये plus 6x यहाँ पे 6x plus में है, ये equal sign के साइड पर आएगा तो minus में आ जाएगा. तो ये 9x minus 6x is equal to minus 21. यहाँ पे 9x में से 6x माइनस हुए तो ये हमारे पास 3x आ गया. 3x is equal to minus 21. और यहाँ पे x की वैल्यू को जब हमने फाइंड आउट किया तो x is equal to x और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 इक्वल के इस साइड पर आके डिवाइड हो गया. सो ये x is equal to minus 21 over 3. 3 और 21 कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास x is equal to बाकी हमारे पास minus 7 आ जाएगा. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल x है, x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था तो इसकी वैल्यू -7 आई. अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathymap.com.